ओकड़ा यूनिवर्सिटी में वर्षे के समाजी व सियासी पहलुओं पर सेमिनार का इनका सेमिनार शोभा बैन अवी तल्ल और शोभा सियासियात के अश्तराक से मनकद हुआ प्रोफेसर वाजिद मौजम दुर्रानी उस्मान शमीम फाखरा शाहिद और दीगर का खिताब ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के शोभा सियासियात और शोभा बैन अवी तल्ल की जानब से पाकिस्तान के सकाफती वर्से के समाजी व सियासी पहलुओं के मौजुप एक सेमिनार का इनका किया गया जिसकी सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद ने की जबकि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मौज़म खान दुर्रानी ने बतौर में मान स्पीकर शिरकत की मौज़म दुर्रानी जो कि बहावलपुर के नूर महल म्यूज़ियम के कोविडेटर भी हैं ने इस तारीख़ी वुरसे के मुख्तलिफ समाजी सियासी और ाफ़ती पहलुओं को जागर किया ओकाड़ा के सकाफ़ती वुरसे के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि ओकाड़ा यूनिवर्सिटी इस इलाक़े में मुख्तलिफ म्यूज़ियम के क़याम और तारीख़ी इमारत के तहफ़ के ज़रिए सियाहत को फ़रो देने में अपना किरदार अदा कर सकती है इस मौके पर अपने खिताब में प्रोफेसर वाजिद ने वुरसे के तहफ़ और तरवीज की अहमियत को बयान करते हुए कहा कि अज़ीमाम हमेशा अपनी तारीख और सकाफत को ना सिर्फ़ याद रखती हैं बल्कि इसमें फ़ख्र महसूस करती हैं उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें अपनी तदरीसी व तहक़ीकी सरगर्मियों के ज़रिए अपनी अजीम सकाफ़त की तरवीज के लिए काम करना चाहिए वाइस चांसलर ने इस हवाले से ओकाड़ा के एक मेंबर कौमी असम्बली चौधरी हक जज का भी जिक्र किया जिन्होंने पार्लियामेंट में अपनी एक हालिया तकरीर के दौरान ओकाड़ा की सकाफ़ती शनाख्त पर बात की चौधरी रियाजुल हक जज ने बताया कि ओकाड़ा में दुनिया के बेहतरीन डेयरी जानवर जैसा कि गाय और भैंस पाए जाते हैं इसके अलावा ये इलाका आलू और मकई की वसी पैदावार के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है प्रोफेसर वाजिद का कहना था कि इस शनाख्ती की तरवीज से हम ओकाड़ा में एग्री टोराज़म के कई मौके पैदा कर सकते हैं